मल्टी फंक्शनल किचन ड्रेनिंग रैक, बर्तनों को धोकर चम्मच को होल्डर में और प्लेट और कप को इस तरीके से रख दे, इससे ना तो बर्तन फैलेंगे ना ही पानी। पर दीदी ये तो आपने बहुत महंगा लिया होगा ना। नहीं, स्नैपडील से निशा 20 का डिस्काउंट कूपन लगाकर 10% डिस्काउंट में लिया है, पर तुझसे ना पूरे पैसे लूंगी, मेरी हड्डी जो दौड़वा दी है। आजकल की लड़कियां काम की ना काज की दुश्मन अनाज की। लाइफ को इजी बनाते हैं ये बेसिक हैक्स और कुछ प्रोडक्ट्स जो मैं आपको अपने इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और हाँ, मेरी इस छोटी सी कोशिश के लिए 1 लाख लाइक तो आप कर ही दोगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हैक्स। मम्मा अचार ले आओ। लाती हूँ। जरा चाट मसाला दे देना। दीदी थोड़ा नमक देना। मम्मा स्पून ले आओ। तो आप लोगों के साथ भी ऐसी होता है कि घर वालों की पूरी डिमांड डाइनिंग टेबल पे ही पूरी करनी पड़ती है, तो उसके लिए ले आप ये स्पाइस और पिकल सेट। तो इसके साथ आते हैं ये 4 जार जिसमें आप रख सकते हैं डिफरेंट पिकल्स और सॉल्ट एंड पेपर या चाट मसाला, और जब भी जिसकी डिमांड हो वो इससे निकाल कर ले ले। बात सुनती तो ऐसी पूरी ना बनती। बहु मेहमान आ रहे हैं, एक बार गोल गोल और एकदम फूली फूली पूरी बनाना। हेलो निशा दीदी। हाँ भारती। पूरी बनानी है, हेल्प करोगी? एक काम कर, तू घर आ जा। घर? चलो ठीक है। ये ले पूरी मेकर। पर ये यूज कैसे होगा? बस आटे की लोई लियो, इसके बीच में लगा, फिर इसका कवर लगाकर ऊपर से हैंडल दबा के अच्छे से प्रेशर से दबा दो और बन जाएगी मजेदार पतली गोल पूड़ी। ऐसे लोगों को समझाएं कि यूज करें इको फ्रेंडली गार्बेज बैग, क्योंकि ये होते हैं बायोडिग्रेडेबल और ये 1 साल के अंदर अंदर ही सनलाइट के एक्सपोजर में बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं। बस इस बैग को लगाएं अपने डस्टबिन में, जिससे कि आपका डस्टबिन भी गंदा नहीं होगा, और अपने कचरे को डाल दें इस पॉलिथिन में। निकल गई ना सारी हीरो पंती, लग गया ना गाड़ी में स्क्रैच। गाड़ी साफ करने के लिए ये यूज कर। ये इतना सॉफ्ट है कि इससे तेरी गाड़ी भी चमक जाएगी और एक स्क्रैच भी नहीं लगेगा। दीदी किचन आपका भी छोटा और मेरा भी, पर आपके यहाँ सारा सामान कितना तरीके से लगा हुआ है और मेरे किचन में सारा सामान मेरे ऊपर ही उल्टी कर रहा होता है। देख भारती, पहले मैंने मंगाया ये स्लिम रैक, उसके बाद मैंने मंगाए फ्रिज के लिए कंटेनर्स, और अब मैंने मंगाया ये फोल्डेबल रैक। पहले मैं कप और ग्लास को ऐसे रखती थी जिससे कि टूटने का और गिरने का डर होता था, लेकिन इस रैक की वजह से मैंने इस जगह का कितने अच्छे से इस्तेमाल किया है। ऊपर की भी स्पेस यूज हो गई और नीचे की भी। चल यार खाना खाते हैं। अबे यार ठंडा खाने का मन नहीं है बिल्कुल, और यहाँ गर्म खाना मिलेगा नहीं। मेरे पास है ना। ये है इलेक्ट्रॉनिक लंच बॉक्स, बस इसे पावर के साथ लगाओ और कुछ ही देर में हो जाएगा आपका खाना एकदम गर्मा गर्म। तू क्या माइक्रोवेव लेके घूमता है? ये माइक्रोवेव नहीं है, ये है स्पेशल लंच बॉक्स, और ये मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट किया था। यार ये तो सच में गर्म है। तो दोस्तों इन हैक्स को जरूर ट्राई करना है, ये हैक्स आपकी लाइफ को बहुत ही आसान बना देंगे। और ऐसी और प्रोडक्ट्स लेने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और हाँ, प्रोडक्ट लेते समय निशा 20 का डिस्काउंट कूपन लगाना मत भूलना, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।